आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि मैं आज आप लोगों को ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑपरेशन गंगा के बारे में। जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया तो यूक्रेन में लगभग 22-23 हज़ार स्टूडेंट वहीं पे फंस गए थे यूक्रेन पे। तो भारत सरकार ने उन सभी स्टूडेंट को लाने के लिए यह ऑपरेशन को चलाया था, ऑपरेशन गंगा को, ठीक है। और लगभग ऑपरेशन गंगा के तहत लगभग 22-23 हज़ार बच्चों को वहाँ से लाया गया। ये जो ऑपरेशन था ये 26 फरवरी 2022 से लेके 11 मार्च 2022 तक चलाया गया था। इसमें लगभग 90 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स भेजे गए थे स्टूडेंट को लाने के लिए। इसमें लगभग 22 हज़ार बच्चों को वहां से लाया गया था। स्टूडेंट्स को लाने के लिए भारत सरकार ने अपना सबसे बड़ा विमान, जो कि एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 3 है, उसे भेजा था। और जितना भी स्टूडेंट्स को वहाँ से लाया गया था, डायरेक्ट यूक्रेन से नहीं लाया गया था। यूक्रेन से सटा हुआ एक कंट्री है जिसका नाम है पोलैंड, वहीं से सारे बच्चों को लाया गया था। तो कंट्री का नाम था पोलैंड, आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ से लाया गया था? पोलैंड से लाया गया था। इसमें और भी बहुत सारी कंपनियाँ मदद की थी स्टूडेंट को लाने के लिए, जो कि एयर इंडिया इसे सब चीज़ में हमेशा आगे रहता है ये सब काम में। इंडिगो भी इसमें मदद किया था, ठीक है। एयर इंडिया एक्सप्रेस भी मदद किया था और स्पाइसजेट भी मदद किया था स्टूडेंट्स को लाने के लिए वहाँ से। चलिए मैं आपको कुछ वहाँ के फोटोज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए जब वहाँ से आने के खुशी में ये लोग तिरंगा लेके शो कर रहे थे, अपने खुशी का इजहार कर रहे थे। ये भी देखिए। अब मैं आप लोगों को ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में बताता हूँ। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था और ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, ठीक है। जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज जब वापस जाने लगी थी अपनी कंट्रीज, तब अफगानिस्तान पे तालिबानियों ने हमला कर दिया और वहाँ पे ढेर सारा हिंसा होना चालू हो गया। वहाँ पे मर्डर ये सब होना नॉर्मल बात हो गया था। तब वहाँ पे दहशत का माहौल हो गया था, जिस कारण से सभी कंट्रीज़ के लोग वहाँ से अपने अपने देश वापस जा रहे थे। इसी कारण से भारत ने भी एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति, जिसके तहत अफगानिस्तान से लगभग 800 से अधिक व्यक्तियों को वहां से लाए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति 16 अगस्त 2021 से लेकर 21 अगस्त 2021 तक चलाया गया था। यह ऑपरेशन भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए चालू किया गया था। इसे हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जो कि है काबुल एयरलिफ्ट के नाम से, ठीक है। इसमें लगभग 800 से अधिक व्यक्तियों को वहाँ से लाया गया था भारत। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ बुक्स और हिंदू के कुछ मनुस्क्रिप्ट्स भी वहां से लाए गए थे। और यहां पे भी भारतीयों को लाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को वहां के भी कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ग्लोब मास्टर में बैठने के लिए सभी लोग जा रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये आप लोग देख रहे होंगे, ये इंडियन आर्मी, ठीक है। ये भी देखिए, ये होली बुक्स को अपने माथे के ऊपर लेके अब इंडिया आने का तैयारी में है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लेन है जो कि है एयर इंडिया का, ठीक है। तो एयर इंडिया हमेशा ये सब कामों के लिए आगे रहता है। और ये रहा C-17 ग्लोब मास्टर। अब मैं आप लोगों को वंदे भारत के बारे में बताता हूँ, ठीक है, जो कि 2020 में हुआ था। ये जो वंदे भारत ऑपरेशन है, ये COVID-19 के चलते किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन वंदे भारत कोरोना वायरस के समय में ही चालू किया गया था। कोरोना वायरस होने के कारण सभी देशों ने अपने फ्लाइट को स्टॉप कर दिया था, जिस कारण से भारतीयों को अपने देश आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, जिस कारण से भारत सरकार ने ऑपरेशन वंदे भारत को चालू किया था। इस मिशन के तहत लगभग 60 लाख इंडियंस को विदेशों के कंट्रीज से इंडिया लाया गया था। और इसमें लगभग 35 कंट्रीज के साथ एयर बबल का स्थापना किया गया था, जिससे कि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस ना हो।
और उसी की मदद से सभी को अपनी कंट्रीज लाया गया था। अब मैं आप लोगों को कुछ ऑपरेशन वंदे भारत के कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एयर इंडिया का भी यह भी विमान है और यहाँ पे भी एयर इंडिया का ही प्लेन है। और ये देखिए, इंडियन टीम्स लाने के लिए, जो कि विदेशों में भारतीय थे, उसे लाने के लिए गए थे। अब चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आप लोगों को ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में बताता हूँ। ऑपरेशन समुद्र सेतु भी कोरोना महामारी के दौरान ही चालू किया गया था भारत सरकार द्वारा। इसमें विदेशों में रह रहे भारतीयों को लाने के लिए नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन का आयोजन किया गया था, जो कि था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, इसके तहत लगभग 4,000 भारतीयों को अपने कंट्रीज लाया गया था। इसमें भारतीय जहाज जो कि जलाश्व, एरावत, शार्दुल तथा मगर का इस्तेमाल किया गया था भारतीयों को लाने के लिए, जो कि लगभग 55 दिनों तक चला था यह ऑपरेशन। अब मैं आप लोगों को कुछ फोटोज दिखा देता हूँ ऑपरेशन समुद्र सेतु का। आप यह देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना का जो दल गया था वहाँ से लाने के लिए भारतीयों को, वे पूरा अपने ड्रेस के साथ पूरा गेटअप में थे और ये वहाँ से सभी भारतीयों को सुरक्षित अपने कंट्रीज ले लाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर कर दें। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।